हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। एल इनोसेंटे यानी कि द इनोसेंट, जो कि एक स्पेनिश थ्रिलर मिनी सीरीज है जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 49 मिनट से लेके 1 आवर 10 मिनट्स के, तो हर एक एपिसोड अच्छे खासे लंबे हैं भाई। और ये हिंदी में देखने को मिलती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। खैर, शो की कहानी फोकस करती है मथियो विडेल यानी कि मैट, जो कि अपने छोटे भाई के साथ एक कॉलेज पार्टी में जाता है, जहाँ पर मैट के हाथों एक्सीडेंटली डैनी की हो जाती है डेथ। अब इस वजह से मैट को 4 साल की जेल हो जाती है। अब इसी बीच जब एक दिन की छुट्टी लेकर मैट अपने भाई से मिलने आता है, तभी उसकी मुलाकात होती है ओलिविया से। अब मैट वापस जेल चला जाता है, लेकिन जेल से आने के बाद मैट अपने छोटे भाई के साथ एक लव फॉर्म में काम करता है, साथ साथ वो ओलिविया से शादी कर लेता है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन ओलिविया बिजनेस ट्रिप के लिए बर्लिन जाती है। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अनफॉरगेटेबल। यार, जब आप लोग इस शो को देखोगे, स्पेशली अगर फर्स्ट एपिसोड को देखोगे, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि हाँ यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन जैसे ही सेकेंड एपिसोड शुरू होगा, वहाँ पर ऐसा लगेगा कि यार, हम लोग एपिसोड 1 देख रहे थे तो वो कुछ अलग था, और एपिसोड 2 देख रहे तो ये पूरा ही अलग है। आप ऐसा लगता है यार, कहीं हम लोग एंथोलॉजी तो नहीं देख रहे, सीरियसली एकदम ऐसा फील आती है। और जब एपिसोड 2 का एंड होने लगता, तब वापस से मैट हमें नज़र आता, तो हमको लगता है हाँ यार, हम तो वही शो देख रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसे शो प्रोग्रेस करता, वैसे वैसे हर एक एपिसोड में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले हैं, वो आपका दिमाग पूरी तरह से उड़ा डालेंगे। और फिर आप एक ही चीज़ बोलोगे, वन ऑफ द बेस्ट स्पेनिश थ्रिलर शो एवर मेड। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनको नरेशन के थ्रू, मैं आपको बता दूं कि हर एक एपिसोड में आपको स्टार्टिंग में हर एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसकी बैक स्टोरी और उसके बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि हर एक डिटेल, छोटी सी छोटी डिटेल आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में उस नरेशन के थ्रू बताते हैं, जिससे आप लोग कहीं से भी कंफ्यूज नहीं रहते कि भाई इसके साथ हुआ क्या था आखिर, और ये क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे इस शो की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा शो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो अनएक्सपेक्टेड थी, और स्पेशली वुमेंस को जिस तरह से यहाँ पर बताया है, उनके साथ जो ब्रूटली रेप या जो उनके साथ टॉर्चरस चीज़ें बताई है, वो पता नहीं रियल में होती है या नहीं होती है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पर देखा वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। और वुमेंस को सच में टॉयज ही समझते हैं, अगर ये सारी चीज़ें रियल में होती भी होगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे माफिया, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो वुमेंस को सिर्फ टॉयज की तरह यूज़ करते। तो शायद मे बी जब हम लोग इस शो में देखते, तो कहीं से थोड़ा बहुत वो रियलिटी फील होती है, जो काफ़ी डरावनी भी थी, लेकिन इस शो के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था। खैर, उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश तो नहीं की है, लेकिन जिस तरह से हर एक सीन को शूट किया है स्पेशली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जो मेकअप्स किए, वो जो डेड बॉडी के मेकअप थे, वो तो यार अनबिलीवेबल थे यार, मतलब एकदम रोंगटे खड़े करता, और सीन देख कर ही वॉमिट जैसा लगा, मतलब आज क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। शो का BGM अच्छा है, मतलब इस तरीके की थ्रिलर सीरीज में जैसा BGM होना चाहिए वैसा ही है। खैर, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द शो इज़ द एक्टर्स परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन अ मैग्निफिसेंट रोल। यार मज़ा आ गया, मतलब वो अपने किरदार को इस तरह से प्ले कर रहे थे कि एक सेकेंड के लिए भी आपको ऐसा लगता नहीं कि वो लोग एक्ट कर रहे हैं। जो लीड एक्टर है मारियो केसेस, उनकी मैंने आई थिंक ये दूसरी सीरीज देख रहे, इससे पहले मैंने उनकी मूवी देखा था, वो सीरियसली आपको शॉक करेंगे अपने परफॉर्मेंस से। हालांकि उनके कैरेक्टर यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ढीला ढाला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे शो प्रोग्रेस कर रहा था, वैसे वैसे उनके कैरेक्टर में काफ़ी जान आई, और उन्होंने अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभाया। उसके अलावा मेल एक्ट्रेस है, उनके ऊपर ये पूरी तरह से शो है, चाहे वो डिटेक्टिव ऑर्टिस हो, एमा का रोल निभाने वाली हो, चाहे वो ओलिविया का रोल निभाने वाली हो, चाहे वो किमी का रोल निभाने वाली हो, तो जितनी फीमेल एक्ट्रेस है ना, उन लोगों का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेस्ट है इस पूरे शो में। शो की एडिटिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि 8 एपिसोड है ऑलमोस्ट 1-1 घंटे के, तो वो थोड़ा सा बोर करता है, और स्पेशली एपिसोड 7th जो मुझे अच्छा खासा ड्रैग होते हुए नजर आया, और 8 एपिसोड में भी जो इमोशनल चीज़ें डाली ना, वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, लेकिन ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूँ कि एडिटिंग अच्छी होती है, और इसको 7 एपिसोड में रखते तो और भी ज़्यादा बेटर होता। डायरेक्शन शो का बहुत अच्छा है, चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया डायरेक्टर ने, और एक ऐसा परफेक्ट शो आपके सामने लेकर आया जो ऑडियंस एटलीस्ट एंगेज रहेगी थ्रू आउट द 8 एपिसोड, इसलिए डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी। शो की नेगेटिविटी की बात करें, तो देखिए अगर आप लोग इस तरीके के शोज देखते हो जहाँ पर आप लोग गैस करने लगते हो शो को देखते दौरान कि आपके हिसाब से कल्प्रिट कौन होगा और इन सारी चीज़ों के पीछे कौन हो सकता है, तो आप लोग इजीली
90% श्योर हो गए कि भाई इन सारी चीज़ों के पीछे यही एक बंदा है। और इनफैक्ट वो निकलता भी है, जो कि इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं था, लेकिन हाँ जिस तरीके से उसने किया वो थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो कैसे कर सकता है यार। मतलब सीरियसली अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वो कर कैसे सकता है इस सारी चीज़ें जो इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी ऐसा शो है तो हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा मैट का जो कैरेक्टर है वो मुझे अच्छा लग रहा था, बट जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई। यानी कि समझ लो कि वो एक पपेट ही मुझे नज़र आया वो कैरेक्टर। हालांकि एक्टर मारियो कैसेस ने उस पर्टिकुलर रोल को अच्छी तरह से निभाया, लेकिन वो कैरेक्टर में कुछ खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। हालांकि एंड में उसने हिम्मत दिखा कि जो जो चीज़ें की अच्छी थी, लेकिन वही चीज़ अगर वो स्टार्ट में कर देता यानी कि मिड ऑफ द एपिसोड मिड ऑफ द सीरीज़ कर देता तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आप न्यूडिटी की सीन देखने मिलेंगे, किसिंग सीन देखने मिलेंगे। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 9 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल शो, तो यार इन्जॉय करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार ज़रूर शेयर करना, और मेरे वीडियोज़ को वैसे ही बहुत कम लोग शेयर करते, तो यार शेयर करो, लाइक भी ज़रूर करो। और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।